नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपले सामने आए हैं। इससे नवंबर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। एकल सदस्य आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ियों और सुस्त रफ्तार को लेकर सर्वेक्षण पूरा न होने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर महीने में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे पहले इन सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम एकल सदस्य समर्पित आयोग के निर्देशों पर किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसलिए जानबूझकर निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव को कराया जाए। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन किया है, इसलिए आज हम कह रहे हैं कि निकाय चुनाव पर रार, किसने मानी हार, ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपले सामने आए हैं। इससे नवंबर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। एकल सदस्य आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ियों और सुस्त रफ्तार को लेकर सर्वेक्षण पूरा न होने की बात कही। वहीं राज्य में अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसलिए जानबूझकर निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव को कराया जाए। कि उनके किस किस क्षेत्र में ऐसे नेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी समुदाय से वो जीत सकते हैं चुनाव, तो भाजपा सरकार इस बात पे सर्वे नहीं कर रही है कि कौन सी सीटें ओबीसी बाहुल्य हैं, किन सीटों से ओबीसी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कि मैं अभी आज एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हुआ, इसलिए चुनाव आगे जाने निश्चित है, 5-6 महीने आगे जाने। जो नवंबर में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं उसको ये लोकसभा चुनाव के बाद लेके जाना चाहती है। उत्तराखंड सरकार ओबीसी सर्वे के बहाने निकाय चुनाव टालने का षड्यंत्र कर रही है। सरकार ये समझ रही है कि उसकी 6 साल की नाकामियों का असर इस समय निकाय चुनाव में उन्हें हार के रूप में देखना पड़ेगा। इसलिए आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर माह में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे पहले इन सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम एकल सदस्य समर्पित आयोग के निर्देशों पर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन किया है। जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से स्थानीय निकाय और नगर निकायों के चुनाव के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। हम लगातार जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं और संगठन के काम को कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में नवंबर 2023 को नगर निकाय का चुनाव संभावित है। 2 दिसंबर को नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय 2018 की बात करें, उत्तराखंड में हुए नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 7 मेयर की सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कोटद्वार और हरिद्वार में कांग्रेस की जीत हुई थी। वहीं 2013 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक भी मेयर और चेयरमैन की सीट नहीं मिली थी। एक तरह भाजपा इस साल भी पूरी तरीके से जीत के लिए आश्वस्त है, तो वहीं विपक्ष ने अभी से सत्ता पक्ष की हार तय कर दी है। सवाल ये है कि आखिर विपक्ष ने इस साल ऐसी कौन सी तैयारी की है कि जो वो अपनी जीत का दावा कर रही है? आखिर वो कौन सी वजह है जो भाजपा को निकाय चुनाव कराने से रोक रही है? तो
तो राज्य में निकाय चुनाव होने से पहले ही जो सियासी दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तैयारियां चल रही है वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। उत्तराखंड में चल रहे निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश उनियाल मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। यश काला रतुड़ी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कमलेश जी, सबसे पहले ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है क्योंकि ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपले सामने आ रहे हैं, यही वजह है कि सरकार की पोल ना खुल जाए, इस वजह से लगातार जो डेट है वो आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। उनियाल साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद नेटवर्क की कोई समस्या है। उनियाल साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। यश काला रतुड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। यश जी, आरोप लगाए हैं विपक्ष ने कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, लोकसभा के बाद कराना चाहती है, ऐसा क्यों लग रहा है विपक्ष को? यश जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। सॉरी जी, मैंने कहा देखिए भाजपा की मंशा में खोट है और ये तो एकदम साफ है, जनता को दिख भी रहा है, समझ भी आ रहा है। सत्ता पर भले ही ये आज काबिज है लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं, लोकतंत्र के पर्व के लिए जिस तरीके से उसे टालने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का सिस्टम ही डरा हुआ है अंदर से। इन लोगों को अभी तक यकीन नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया ना। देखिए, इनके मेयर पर इतना बड़ा मुकदमा हो गया है विजिलेंस का, इतनी संपत्ति उन्होंने बटोर ली, अब मेयर पर जिसकी इतनी बड़ी आंच आएगी वो पार्टी तो बौखलाएगी ही ना। वो पार्टी तो चाहेगी कि भैया चुनाव में चुनाव को टाल दिया जाए लंबे से लंबा, क्योंकि चाहते हैं कि पहले इनके मेयर की छवि साफ कर रही है, उन्हें जरा वॉशिंग मशीन में डुबा करके सर्फ से घोल करके उन्हें धो करके उनको एकदम चमका दे, उसके बाद चुनाव करें। अब भाई हरिद्वार जिला पंचायत में भी कुछ उन्होंने ऐसे ही किया था, वहां भी इन लोगों ने चाहा कि चुनाव जो है वक्त पर ना, और उसके भी इन्होंने लंबे समय तक चुनाव टाले वहां के। अब ये वैसे ही कोशिशें कर रहे हैं देहरादून में करने की और यहाँ पूरे प्रदेश स्तर में, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके इनके लोग जितने हैं जो अब तो सारे भ्रष्टाचार के आरोपी बन चुके हैं, वो प्रत्याशी तो रहे नहीं, जो प्रत्याशी थे वो तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए और जो सत्ता पर बैठे हुए थे उन पर तो इतने बड़े बड़े मुकदमे हो गए। तो इसलिए ये लोग अंदर से डरे हुए हैं, ये चाह रहे हैं कि भैया अभी तक जो पोलराइजेशन कर लो, तुष्टिकरण कर लो, लोगों को यहां वहां तब तक धर्म का पुलिंदा पकड़ा दो, लोग थोड़े बटे रहे तो ये पीछे से अपनी वॉशिंग मशीन में लोगों को धोए, उसके बाद ये चुनाव कराएंगे, ऐसी कुछ इनकी प्लानिंग है। ठीक है, यानी कि ये जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, विपक्ष ने कितनी तैयारी कर ली है, ऐसी कौन सी तैयारी की है विपक्ष ने कि अपनी जीत के दावे भी विपक्ष कर रहा है? क्योंकि अगर इससे पहले की हम बात करें तो सिर्फ दो ही जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली थी, उससे पहले की हम बात करें तो उससे पहले तो शून्य था कांग्रेस। देखिए, हार और जीत तो लगी रहती है, अगर सीटें नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष है ही नहीं। वोट परसेंटेज बहुत ही कड़ी टक्कर थी भाजपा और कांग्रेस में अगर पिछले हिसाब के पिछले वर्ष का अगर आप देखें। और रही बात की विपक्ष, देखिए अपने काम के भरोसे है, विपक्ष जनता के साथ है, आज तमाम मुद्दे हो रहे हैं जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी इस वक्त पर बौखलाई हुई है, ऐसी बौखलाहट शायद ही किसी ने देखी होगी उत्तराखंड प्रदेश में खासकर। और इस बार विपक्ष जनता के साथ है, जनता का सपोर्ट विपक्ष के साथ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इन्हें जीत तो दे दी जनता ने, लेकिन पिछले अभी 2022 के बाद से अब तक जो कुछ काम हुआ है वो भी जनता के सामने, इसे जनता पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस को समर्थन दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिमाग में कहीं नहीं रखा है। विधानसभा में भले ही इन्हें जितवा दिया, विधानसभा भले ही इन लोगों को भेज दिया, लेकिन जनता को ये स्पष्ट है काम करने वाले लोग नहीं है, और कम से कम विधानसभा में भेजने की गलती तो कर दी, लेकिन हम लोग यहाँ निकाय चुनावों में इन लोगों को सत्ता सौंप करके वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस वोट पर, इस आधार पर जो है जनता का वोट कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस का पूरा सिस्टम, कांग्रेस की पूरी के पूरे हर एक कार्यकर्ता जो है सड़कों पर है, लोगों के लिए काम कर रहा है, हर एक कोशिश कर रहा है लोगों का दिल जीत सके, लोगों तक अपनी आवाज को, अपने सच को और अपने प्लान्स को पहुंचा सके, और यही शायद से हमारी ताकत है। इसी के बलबूते पर अगर हम आज कह रहे हैं। उनियाल साहब, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? उनियाल साहब, ये जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है, लोकसभा के बाद कराने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर हो रहा है क्योंकि जो सरकार है वो निकाय चुनाव हारने वाली है, बीजेपी हारने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आज की स्थिति के हिसाब से, और हमारा कार्यकर्ता हर समय एक्टिव मोड में रहता है, ऐसा नहीं है
भारतीय जनता पार्टी के चाहे हमारे उपचुनाव की बात हो पूर्व में, या चाहे हमारे और अन्य प्रदेशों के हम लोग बात करते हैं वहां के चुनाव की बात हो, और उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि अभी जो हरिद्वार का एक उदाहरण है जहां इनका डब्बा गोल हो गया था, तो हम लोग कहीं न भय न चिंतित है किसी तरह के आने वाले समय में। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जो हमारा कार्यकर्ता है जो 24 आवर्स 7 डेज काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, समर्पित है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री युवाओं की जो आज आइकॉन बन गए हैं उनको फॉलो करते पूरी। उनियाल साहब शायद नेटवर्क की कुछ समस्या हो रही है, वापस लौटूंगी आपके पास। राजेश बिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी अगर निकाय चुनाव की बात, हाँ जी आपकी आवाज बार बार कट रही है, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है सर। हाँ आप अपनी बात पूरी करिए, ठीक है राजेश जी वापस लौटूंगी आपके पास। मैं मेरा ये कहना है, आप ये कह रहे हैं कि साहब ये डरे हुए हैं, ये समझे हुए, आप ये देखिए ना आज की स्थिति के हिसाब से अगर चौमुखी विकास इस राज्य का हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जीत के आई है, और 2017 से 2022 के कार्यकाल को और जो को देखते हुए जनता ने 2022 में ओबीसी सर्वेक्षण से बहुमत सरकार कर रही है। सर्वेक्षण की बात जो आ रही है उनियाल साहब, ओबीसी सर्वेक्षण जिस तरह के आरोप लग रहे हैं सर्वेक्षण को लेकर, इस पर नजर क्यों नहीं सरकार डाल रही है, क्यों हटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल सरकार तत्काल कार्य कर रही है। हमारी जो सरकार है वो ऐसा नहीं कि विभागीय गतिविधि से को कार्य करी, उसके लिए हमने समिति और कमेटियों के गठन किया है। इन समिति और कमेटियों के गठन के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। अभी सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्य है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे चार धाम यात्रा की बात हो, किसी भी अगर बिंदु पे देखे सरकार कहीं कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। और जो ये आरोप और प्रत्यारोप अभी मेरे प्रवक्ता बता रहे थे, तो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये भी एक सरकार की विश्वसनीयता है। अगर जांच की अगर बात आएगी तो जांच भी हो रही है, और ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी काम है, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की एक पहचान है। अगर कुछ इस तरह की, अगर जैसे ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा लग रहा है ये डर रहे हो, डर रहे भ्रष्टाचार की जंगली रहे कांग्रेस, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री कह रहे थे सारे भ्रष्टाचार की जननी है, सुन लिया आपसे हम घोटाले कांग्रेस जनता आपकी जो चलिए ठीक है राजेश जी, ओबीसी सर्वेक्षण की बात हो रही थी, लेकिन ओबीसी सर्वेक्षण पर उनियाल साहब कुछ कह नहीं पाए, कह रहे हैं कि जांच बिठा दी गई है, जांच हो रही है, संगठन बना दिया गया है, संगठन इस पर जांच हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस ओबीसी को लेकर इतना बवाल हुआ, राहुल गांधी को तो सजा भी हो चुकी है, संसद की लोकसभा की सदस्यता थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो उस ओबीसी को लेकर अब सरकार इतनी सक्रिय क्यों नहीं है उत्तराखंड में, जिस ओबीसी पर इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया? काजोल जी, इसमें मैं बात अपनी इस तरीके से रखना चाहूंगा कि आप लोग सभी देख रहे हैं और पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि बीजेपी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, उसको पूरे 6 वर्ष हो गए हैं हमारे प्रदेश के अंदर, और हमारे लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी ईमानदारी से बीजेपी को एक बारी के लिए फिर मैंडेट दिया। उन्हें लगा कि शायद ये लोग अच्छा काम करेंगे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जो नगर निगम के चुनाव, जो नगर पंचायत के चुनाव जो नवंबर में प्रस्तावित थे कि होने थे, उसको टालने का काम ये इसलिए करें क्योंकि इनको पता है कि जो इनका बीता 1 वर्ष ये गया है, ये बहुत विफलतापूर्ण तरीके से इनके किए गए कार्यों की वजह से गया है। अगर आप पूरा इनका पूरा साल उठाएं, जिस तरीके से अभी हमारे साथी बीजेपी के कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरा इन्होंने कहा जी इनके सीएम यूथ आइकॉन है, लोग इनको काफी फॉलो करते हैं, फॉलो कर रहे हैं लोग किस रूप से फॉलो कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं कि इस बारी तो इनको चुनकर हम लोगों ने भेज दिया है, लेकिन आगे वाले आने वाले समय में इनको दोबारा चुनने के लिए लोग डर रहे हैं। आज जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, आज जनता के टैक्स के पैसे का 680 करोड़ रुपया इन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम से
खर्च तो कर दिया लेकिन अभी भी स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, एक चीज बड़ी स्मार्ट दिखाई दे रही कि इनके मेयर जो 2 करोड़ का एफिडेविट भर रहे थे आज 200 करोड़ के मालिक बन के, ये स्मार्टनेस जरूर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही। दूसरा, 40,000 इन्होंने घर देने की बात की थी इस स्मार्ट सिटी के तहत, अभी तक कोई भूमि ही चिन्हित नहीं हुई है। तो देखिए लोगों के साथ कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं। जिस नगर पंचायत की और नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं, आज सड़कों का हाल देखिए आप, गली मोहल्ले में कूड़े का हाल देखिए आप, स्ट्रीट लाइट का हाल देखिए, लोगों की सुरक्षा को देखने के लिए जहां पे डार्क स्पॉट्स हैं उस जगहों पे देखिए दिन भर घटनाएं हो रही हैं प्रदेश के अंदर, क्या हाल बना रखा है बीजेपी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने क्या तैयारी की है निकाय चुनाव को लेकर? बीजेपी को घेरने का काम तो हो रहा है और अभी तक कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि जो चुनाव है वो टाले जा रहे हैं या एक्सटेंड किए जा रहे हैं। अभी से ही विपक्ष ये राग लगा रहा है कि जानबूझकर चुनावों को आगे करने की कोशिश की जा रही है, तारीखों को आगे करने की कोशिश की जा रही है। राग नहीं अलाप रहे मैडम, ये तो सिस्टम दिख रहा है ना। हाँ, ठीक है, तो आप भी बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने कितनी तैयारी कर ली है निकाय चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी की जो एक राजनीतिक दल होने के नाते जो मजबूती से एक जिम्मेदारी से अपने प्रत्याशियों को तैयार करना और सर्च कमेटी का जो काम है वो काम अपने स्तर पे चल रहा है और जैसे इन लोगों की टाल मटोल हो रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि इनको समझ आ रहा है नगर निकाय के चुनाव में इनकी हार सुनिश्चित है और इस हार से बचने के लिए ताकि उसका असर लोकसभा में ना पड़े, लोकसभा में उसका असर ना पड़े, इसलिए ये चाह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव हो जाएं और उसके बाद ये दोबारा से अपने लोगों को तैयार कर सके और फिर से कह सके कि देखो अब तो हम तैयार हैं। ऐसे ही हाल इन्होंने दिल्ली में किया, दिल्ली में भी इन्होंने नगर निकाय के चुनाव को 1 साल टाला और बड़ी मजबूती से कहते रहे कि अगर आपको डर नहीं लगता है तो 1 साल बाद चुनाव करा के देखिए हम ही आएंगे। लेकिन क्या हाल हुआ, कल जब यहाँ पे सिविक सेंटर पे दोबारा से मेयर के चुनाव हुए तो आपने देखा इन्होंने बॉयकॉट कर लिया, वहां पे इन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया क्योंकि ये जानते थे कि हार निश्चित है। लोग इनके भ्रम जाल से बाहर निकल चुके हैं और वो अच्छी तरीके से इनका हाल देख रहे हैं। आज देखिए ना इनके विधायक कुरोला के, जो इनके विधायक है दुर्गेश लाल जी, एक लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से वो बता रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में कितना बड़ा घपला इन लोगों ने किया और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इसको समझना होगा हमें उन मुद्दों को भी रखना होगा कि नगर निकाय के चुनाव टाल क्यों रहे हैं आखिर में, उसकी क्या मुख्य वजह है। हमारी तैयारी अपनी जगह पे है, देखिए राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जब जब चुनाव आएंगे हम लोग तब तक तैयार रहेंगे, लेकिन जो ये चुनाव टालने का काम करे उसकी वजह को भी लोगों को समझना होगा कि ये टाल क्यों रहे उन चुनाव को। आज हमारे ये 9 मेयर चुने जाने चाहिए, हमारे लोगों को अगर ये 8 महीने 9 महीने अगर टालने का काम करें तो आप अंदाज कीजिए उन लोगों की व्यवस्थाएं कौन देगा। उन जगहों पे लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पाई है, तो सीधी सी बात है इस चीज का डर इनको सता रहा है, इनके अधिकारी इनके कंट्रोल में नहीं है। आज आप देखिए ना अधिकारियों की CR भरने की मांग कर रहे हैं इनके विधायकगण, इनके मंत्रीगण। आप एक तरफ देखिए कि इनकी मॉनिटरिंग टीम, अगर ओबीसी का इनका नहीं अभी तक इन लोगों ने अपना सर्वेक्षण पूरा कर पाया तो क्यों उस मॉनिटरिंग टीम एक इसके ऊपर बैठी हुई नहीं थी, क्यों सरकार के अधिकारियों ने उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम नहीं किया। अगर ये काम आपका 31 मार्च को हो जाना चाहिए था और आज अगर आप उसको कहते हैं हमने नहीं किया है तो क्यों ऊपर बैठे मुख्यमंत्री उन अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले रहे। तरीका तो यही बनता है ना कि जो टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह दी जा रही है, जिस टैक्स के पैसे से आप एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, अगर आप समयबद्ध काम नहीं करते हैं, हमारी जनता का नुकसान करते हैं, तो आपके ऊपर भी किसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लिया है इन्होंने अभी तक, ये पता चले हमें? ठीक है, तो ये सारे मामले हैं जो हम देख रहे हैं कि ये चुनाव टालने का इनका क्या वजह है। ठीक है राजेश जी, बिल्कुल इस जवाब ले लेते, लेकिन कमलेश उनियाल जी के नेटवर्क में कुछ समस्या हो रही है जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसे में जवाब लेकिन हम जरूर जानने की कोशिश बाद में करेंगे। यश कला जी, अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव की तारीख आगे लगातार बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए इसलिए सोच रही सरकार क्योंकि लोकसभा चुनाव हो जाए उससे जो छवि है बीजेपी की वो नजर जनता को आ जाएगी, इसलिए सरकार जो है वो डरी हुई है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो नगर निगम को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? जैसे कि अभी आपने बताया भी कि जो पिछले निकाय चुनाव हुए थे उसमें अच्छा खासा वोटिंग परसेंट कांग्रेस को मिला था, क्या लगता है इस बार ये वोटिंग परसेंट कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है? निश्चित ही ये वोटिंग परसेंटेज काफी हद तक बढ़ेगा और जीत हम लोगों को दिलाएगा इस निकाय चुनावों में, क्योंकि हमारे प्रत्याशी जितने भी हैं वो इतने सालों तक गायब नहीं थे इन लोगों की तरह, जैसे भाजपा के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि। लेकिन अंदर खाने जो कांग्रेस में चल रहा है, जो मतभेद कहें या मनभेद कहें वो तो आप उससे बेहतर जानते हो, वो उसका असर क्या नजर नहीं आएगा जनता को? दीजिए कि वो सब अतीत हो गया, आप उस सबको बोलिए कि वो अतीत हो गया और अब नई कांग्रेस निकल कर आ रही है, नए चुनाव हो रहे हैं
और ताकत के साथ और भी मजबूती के साथ। और देखिए भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि भाई इन्होंने ओबीसी का सर्वेक्षण अभी तक क्यों नहीं कराया, ओबीसी के नाम पर इतना बवाल कर रहे हैं, इतने वोट की चोट कर रहे हैं जगह जगह जाकर के, और उन ओबीसी का ही सर्वेक्षण नहीं किया। इसका मतलब आप लोगों की तानाशाह बनते हैं, लेकिन असलियत में तो आपकी अफसरशाही एकदम ठप है। आप सिर्फ जनता पर और विपक्ष पर ही हावी होते हैं, लेकिन जहां होना चाहिए वहां आप हो नहीं पाते हैं। आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके विधायक, सबके सब ठप है, सबके सब जीरो है एकदम से। अब भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का मुकाबला कोई कांग्रेस से तो है नहीं या दिल्ली की सरकारों से तो है नहीं, इनका तो मुकाबला भी अपने आप से ही है। तो आप लोग तो शिकायत भी करें तो क्या करें। और भाजपा के प्रवक्ता से तो मैं जवाब सुनना चाहता था और उनकी भी बहुत सारे उनसे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन देखिए ना, एक तो सबसे बड़ी बात है भाजपा के प्रवक्ता अगर ये वीडियो बात में अगर वो देखें तो आप लोगों को समझना होगा, अगर आप डिबेट्स में आ रहे हैं सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म के साथ आइए, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि भाजपा के प्रवक्ता पिकनिक मनाते, गाते, खाते, नहाते, हर जगह बैठ के बस डिबेट में जुड़ जाते हैं और मुद्दे पर आकर बात नहीं करेंगे और ऐसे ही आधे आधे डिबेट में छोड़ के निकल लेते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण करने का काम कर रहे हैं। आप लोग डरे हुए हैं ओबीसी के नाम पर, जो आप लोगों ने प्रहार यहाँ वहां जाकर के जो आप ढोंग रचते रहते हैं उसका जवाब भी आप लोगों ने दे दिया। ये जानबूझकर हो रहा है, जानबूझकर ओबीसी सर्वेक्षण नहीं कराना चाहती है सरकार। ये फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या है यश जी, इससे फायदा क्या है? देखिए इससे उन लोगों को फायदा है, इससे उन लोगों को फायदा है, उन लोगों को सबसे पहले तो अपनी अपनी चुनावी हार नजर आ रही है और उनके मेयर पर उनके जितने प्रत्याशी हैं वो तो भ्रष्टाचारी में इतने लिप्त है, प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको फटकार लग चुकी है, उनपे विजिलेंस का मामला हो चुका है। अब सोचिए ना, जिस पार्टी का एक मेयर उसकी सभी छाप साफ दिखाते दिखाते भारतीय जनता पार्टी के घुटने रगड़ गए, उस मेयर की जब संपत्ति 200 करोड़ के पार निकल जाए तो उस पार्टी का तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, अपच हो जाएगा, हैजा से लेकर के पता न जाने कैसे कैसे रोग उस पार्टी को हो जाएंगे। और अभी ये लोग अब अंदर खाने अपनी पार्टी का इलाज कर रहे हैं, इनकी पार्टी में जो कैंसर रूपी बीमारियां पनप रही है ना उनका परमानेंट इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इन्हें पता है विपक्ष अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए चाह रहे हैं कि हम क्यों ना ऐसी कोई चालबाजी रचें इस समय में, लोकतंत्र के पर्व को जो है थोड़ा सा टालने की कोशिश करें और इस बीच कोई ऐसी चालबाजी करे कि वापस से इन लोग जो है सत्ता पर काबिज हो पाए। लेकिन अब की बार ये नहीं होगा, तरीके से जनता समझदार है, समझ रही है उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की जनता समझ रही है कौन नहीं कर रहा है यश जी, है ना। वापस लौटूंगी आपके पास, राजेश जी हमारे साथ बने हुए, राजेश जी का रुख करूंगी। राजेश जी, क्या ये वाकई इसको जनता मुद्दा देख रही है कि जो मेयर हैं उन पर किस तरह के आरोप लगे हैं, उनकी जो संपत्ति है वो 200 करोड़ या 2 करोड़ के पार है, जनता को चाहिए कि उसके आसपास किस तरह से विकास हो रहा है, उसके घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके घर के सामने सड़क बनी या नहीं बनी है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर तरीके से मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, शिक्षा व्यवस्था जो है वो सही तरीके से हो पा रही है नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो निकाय चुनाव है बहुत ही निम्न स्तर के चुनाव होते हैं, इनमें ये बड़े मुद्दे नहीं होते हैं कि उसने इस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल किया है या फिर अरविंद केजरीवाल की घर को लेकर 45 करोड़ का रिनोवेशन को लेकर, इस पे जनता नहीं जाएगी। निकाय चुनाव जो है वो बहुत ही बेसिक चुनाव है, तो ये मुद्दे होने चाहिए। मेयर की प्रॉपर्टी कितनी है कितनी नहीं है उससे मतलब नहीं है इसमें। देखिए काजोल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, बात मेयर की प्रॉपर्टी है या नहीं है इसलिए जरूरी हो जाता है मुद्दा कि आपने जिसको मेयर पद पर बैठाया उसकी गरिमा होती है, ये बहुत ही संवेदनशील पद होता है जिस पद पे आप बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी प्रदेश के अंदर जिस स्मार्ट सिटी के लिए आप मेयर चुने गए, जिस नगर निगम में आप मेयर चुने गए वहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के पास जिन मुद्दों को लेके आपने वोट मांगा था, जिस टैक्स को आप कलेक्ट कर रहे हैं उस टैक्स के कलेक्शन का पैसा लोगों के हित में उपयोग हो। आज आप अस्पतालों का हाल केवल देहरादून के अंदर देखिए कि देहरादून में अस्पतालों का क्या हाल है, गली मोहल्लों में नालियों का आप हाल देखिए, सीवर लाइन का आप हाल देखिए, तो ये जमीनी मुद्दे हैं ना। ये क्यों हम मेयर की बात करें, मेयर की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव मेयर से रिलेटेड है, मेयर ने इसमें चुना जाना है। जब बीजेपी एक ऐसे प्रत्याशी को बैठा रही है, ऐसे आदमी को मेयर चुन रही है, उसमें त्रिवेंद्र जी की भी जो कुर्सी गई है उसका मुख्य कारण ये मेयर ही थे। तो जनता आपको तो बता देख रही है ना सर, सब जनता सब देख रही है, उत्तराखंड की जनता देख रही है, बहुत समझदार है। इसीलिए मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए पूरे एक साल के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। नगर पंचायतों में भी खस्ता हाल है, अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, आप एक CHQ, PSC, ये जो सेंटर्स हमारे छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं, स्कूल्स जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स बने हुए हैं वहां का बहुत बुरा हाल है।
इसको हमने समझना होगा कि प्रदेश इस समय मांग क्या रहा है। तो बेसिक नीड्स की आपने बात करी, हमारी टीम ऐसे इलाकों में जाती है, हम खास प्रोग्राम भी चलाते हैं इसको लेकर, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो जनता समझदार है। इसलिए आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, मेरे पास समय की कमी, एक आखिरी कमेंट। यस जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं भाजपा का पूरा सिस्टम जो है इस वक्त पर ठप पड़ गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अभी तक मेयर के चुनाव आप शायद से देहरादून के परिपेक्ष में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड में जहां जहां पर भाजपा के मेयर है, आप वहां के पूरे हालात देख लेंगे, सड़कें खस्ता हाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए इनके मेयर निकलकर अपने जनप्रतिनिधियों से बात तक नहीं करते हैं, मंत्री के आगे हाजिरी तक नहीं लगाते हैं। अब आप बात कर लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, स्वास्थ्य एकदम लचर पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं ये लोग? आप लोगों को जनता ने चुना है प्रदेश के लिए काम करने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए, और जब मेयर की संपत्ति खासकर देहरादून में 200 करोड़ के पार हो जाती है, इसका मतलब वो जनता का पैसा है। और जनता को ये समझना चाहिए कि आप लोगों के हित में जिस पैसे को लगना चाहिए वो किसी के पर्सनल बैंक अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को खड़ा कर रहा है। जनता के पैसे के साथ जो चोरी करते हैं उसको प्रदेश की जनता कभी चुनकर सत्ता नहीं दिलाएगी, और इस बार लोगों ने ठान लिया है, और इसी से भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो तो वक्त बताएगा कि जनता ने क्या ठाना है, क्या नहीं ठाना है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। हमें तो फिलहाल शुभकामनाएं दे सकते हैं कि ऑल द बेस्ट। आप लोग जिस तरह से विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है और सरकार जो दावे और वादे कर रही है, आरोप प्रत्यारोप है, वो सारी चीजें निकलकर सामने आए, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका समाधान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में नवंबर 2023 को नगर निकाय का चुनाव संभावित है, 2 दिसंबर को, क्योंकि निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में नगर निकाय 2018 की बात करें तो उत्तराखंड में हुए नगर निकाय में चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 7 मेयर की सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन कोटद्वार हरिद्वार में कांग्रेस की जीत हुई थी। तो ऐसे में अब विपक्ष पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार भी उसकी जीत पक्की है, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष इन आरोपों को, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, पूरी तरह से इसका खंडन कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष का कहना है कि जीत इस बार भी नगर निकाय चुनाव में भाजपा की ही होने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।